जैसे मेरी पत्नी। मुझ पर तुम्हें तरजीह देने लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे कम से कम बता कर तो आती। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुझे अगर अपनी माँ की हकीकत पता चल जाए। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नसीर अब असमा से साफ कह देता है कि असमा अब चाहे तुम्हारी इसमें मर्जी हो या ना करो हो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर असमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। नसीर से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर आपने दूसरी शादी की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब आपको फैसला करना होगा, या तो मुझे यहाँ पर रखना होगा या दूसरी शादी करने वाली औरत को यहाँ पर रखना होगा। ये बात सुनकर नसीर कहता है कि तुम्हारा अपना फैसला है, अगर तुम जाना चाहती हो यहाँ से तो शौक से जा सकती हो, लेकिन मैं रमशा के साथ शादी करके ही रहूँगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा असमा परेशान हो जाती है। उधर दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब यहाँ पर रमशा अपनी माँ को बताती है कि नसीर ने उसके साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रमशा से कहती है कि बेटा ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द ब जल्द नसीर के साथ हो जाए, क्योंकि नसीर आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार बढ़ा रहा है और तुम बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद हो जाओगी। ये बात सुनकर रमशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, अपनी माँ से कहती है कि अम्मी एक बार मेरी शादी नसीर से होने दे तो फिर देखना कि मैं इस नसीर के साथ करती क्या हूँ, लेकिन एक बात याद रहे कि उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पहले से किसी से शादी की हुई थी। अब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है रमशा। तो दोस्तों ये सब कुछ जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल अब बेबी बाजी बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है, अगर आप इस ड्रामे को नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, खुदा हाफिज़।